बोलो सच्चे दरबार की जय, बोल सियापत रामचंद्र की जय। ध्वज पताक तोरण कलश सजाऊं तुरत रत नाग, रामा सजाऊं तुरत रत नाग, सिर धरे मोने वर बचन सबो निजन जका जय लाग। सियापत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजा। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधारी करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। तो जो मुनि सजे हैं आया सूरी ना सोते का जो प्रथम जन्म की ना, बे प्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने सबको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। तो सुना तो राम अभिजे का सुहावा, राम सिया तन सगुन जनाए, फरकन मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। तपोला के स प्रेम परस पर कही, भरत आगमन सूचक भये बहुत दिन थे अवजेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब मंगल शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ गई है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरे सा प्रिय को जग मानी, यहाँ सगुन पलो दो शरनाई, राम बांधो सोच दिन राती, अंदन है कमठ हृदय जीवाती। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। तो ये अवसर मंगल परम सोने से उरनिवास, रामा सोने से उरनिवास, सोबत लग बे दुबड़त जनो बार बीच विलास। सियावत राम चंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का लिबास सुशोभित होता है। तो प्रथम जाए जिन वचन सुनाए, भूषण वसन भूरे तिन पाए, प्रेम पुलकित मन अनुरागी, मंग
मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित होता और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चारो सोमेत्रा पूरी मन माया बेबे देवाते अति रूरी आनंद मगन राम में तारी दिए दान बहु बे प्रंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। तपूजी ग्राम देवे सुर नागा कहू बहोरे देन वले भागा जे विधि होए राम कल्याणु देहु दया करे सोवर दानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। तो गावे मंगल को केल बयानी विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की मीठी सी वाणी वाली चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे कैसे नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राजा विजय गुजने हर से नर नार राम हर से नर नार लगे सुमंगल सजन सब विजय अनुकूल विचार सियावत राम चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाव वशिष्ठ बुलाए राम दाम सिख देन पटाए गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आए पद नाय माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। तसारद रग दे गराने सोरा भांत पूज सनमाने गहे चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडश उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, तो सेवक सजन स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल दमनु तदापे उचित जनु बोले सप्रीति फट आज नाथ सीनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। तो प्रभु ताता ये प्रभु की न सने भय पुनीत आजो यहोगे
आय तो सो करोगाई सेव कुल स्वामी सेव परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहां पधार कर जो स्नेह किया इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई जो आज्ञा हो मैं वही करूं, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। तो सोने सने जाने वचन मोने रघो वर प्रसंस रामा मोने रघे वर प्रसंस राम कसन तुम कंस वंस भूतंस सियावत राम चंद्र पद जय सनम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि राम भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। तवरन राम गुण शील सुभाओ बोले प्रेम पुल के मोने राओ भूप सजे ओ अवसे कसमारू चाहत देन तुम यो श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि रामचंद्र जी राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। तो राम करहु सब अंजम आजू जो वेद कौशल निवाहे काजू गुरु सिख दे राय पहि गया राम हृदय सबे समु भयऊ। इसलिए हे राम जी आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए जिससे विधाता कुशलता पूर्वक इस काम को निवाह दे सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि जन्म एक संग सब भाई भोजन सयन के ले लरिकाई करण वेद ओ पवित संग संग सब भये हम सब भाई एक ही साथ जन्मे खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए। तो विमालवान दागा हो अनुचित बंधु ब्याह बड़े हैं अभिषेक प्रभु समेत पछतान सुहाई हरम भगत मन कहीं कोठिलाई। इस पर निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण प्रस्तावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर लेगा। तथे अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद रामा मगन प्रेम आनंद सन माने प्रिय वचन कहे रघुवल कही रघुचंद्र सियावत राम चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया।
बाजे बाजने वे वेद वेदाना पुर प्रमोद नहीं जाए भगाना। भरत आगमनु सकल मनावहि आवहु बेगि नयन फलु पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। तो हाट बाट घर गली अथाई कहीं परस पर लोग लुगाई। काले लगन भले के थे कवारा पूजे बेदे अभेला सुमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करे। तो कनक सिंहासन समेता बैठे राम हो चित चेता। सकल कहे कब काली विघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी से श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर बिराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनाने जो आए नवादा चोर चंदन रात नवा। शारद बोले विनय सुर करही बार बार पायले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं कि मंगल भवन या मंगल हारी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।